Hello beautiful souls, this is Monica Agarwal and I welcome you to my channel or wherever you are seeing this video. So, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज की जो रीडिंग्स हैं मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल लाई हूँ. मेरे पास यहाँ पे मेरा पेंडुलम बोर्ड एंड साइकिक बोर्ड है और साथ में मेरे पास लॉर्ड कृष्णा के गीता कार्ड्स हैं. तो यहाँ पर हम एक कॉम्बिनेशन रीडिंग्स करेंगे, साइकिक रीडिंग्स और गीता से मैसेज निकालेंगे. तो यहाँ रीडिंग्स थोड़ी डिफरेंट होने वाली हैं, इसलिए बिना स्किप करें सुन लीजिए, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपको इस रीडिंग्स को कंसल्ट कैसे करना है. तो ये एक बोर्ड है जिस पे हमारे येस नो मे बी एंड कुछ आंसर्स हैं जो हमारा ये पेंडुलम जो कि एनर्जाइज्ड है मैजिकल पेंडुलम देगा, और ये हमारे गीता के कार्ड हैं. अब यहाँ पर आप लोगों ने जो सिलेक्ट करना है, ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं और ये जनरल रीडिंग्स हैं. अगर आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो ले लीजिए, नहीं करती हैं तो आप छोड़ सकते हैं. तो यहाँ हम पाइल्स में नहीं डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए कोई भी टाइम स्टैम्प्स वगैरह नहीं होंगे. काफ़ी लोगों को कंप्लेन रहती है कि मैं कुछ टाइम से टाइम स्टैम्प्स नहीं डाल पा रही हूँ. अब 8-10 मिनट के वीडियो में टाइम स्टैम्प डाल के करना भी क्या है. आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख लीजिए. अगर वॉलेंटियर कोई टाइम स्टैम्प्स देखना चाहता है तो देख लीजिए, ठीक है. तो यहाँ पर अभी हम टाइम स्टैम्प नहीं डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक जनरल रीडिंग कर रहे हैं. यहाँ पर मैं आपके किसी भी 3 क्वेश्चंस का जवाब दूंगी, ठीक है. पहला क्वेश्चन है येस एंड नो का आंसर होगा. तो जो भी क्वेश्चन आपके मन में येस एंड नो का है वो आप डिसाइड करेंगे, आँखों को बंद करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी आपके स्पिरिचुअल गाइड्स हैं वो आपको हेल्प करें. अब आप आइज को खोलिए, अपने क्वेश्चन को बार बार इस पेंडुलम को देखते हुए रिपीट करिए और फिर मैं आपको उसका आंसर बताऊंगी. जस्ट इस पेंडुलम को देखते जाना है और रिपीट करते जाना है, एकदम गेज करिए इस पेंडुलम को. दो मिनट टाइम लेगा क्योंकि मैं हाथ हिला नहीं रही हूँ, अपने आप ही हिलेगा. डियर पेंडुलम प्लीज आंसर द क्वेश्चन ऑफ माई क्लाइंट. डियर पेंडुलम ओके. तो आपने जो भी क्वेश्चन पूछा उसका जवाब है येस. येस आंसर है. और अब आपके क्वेश्चन से रिलेटेड हाँ में है आंसर, पॉजिटिव आंसर है, लेकिन इससे रिलेटेड मैं एक गीता का कार्ड निकालूंगी और देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है लॉर्ड कृष्णा की तरफ से. मैं आईज क्लोज करके निकाल रही हूँ. बेस्ट ऑफ योगीज, तो ये आपका मैसेज है बेस्ट ऑफ योगीज का. इसके पीछे उन्होंने लिखा है द वन हु इज फिल्ड विद फेथ हिज एंटायर बींग गिवन ओवर टू मी इज द मोस्ट इंटीमेटली यूनाइटेड विद मी एंड इज द बेस्ट ऑफ ऑल. तो ये जो कार्ड है लॉर्ड कृष्णा का कार्ड है, गीता का बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है. ये मैसेज आप लोगों के लिए आपको ये बता रहा है कि आप पूरा फेथ रखिए, पूरा ट्रस्ट रखिए. जो भी आपने सवाल पूछा है उसका जवाब येस है, लेकिन उसके साथ आपको ट्रस्ट एंड फेथ बना के रखना पड़ेगा. जो भी कर्म आप कर रहे हैं वो गॉड को अर्पण करते जाइए. आप सिर्फ अपना कार्य करिए, बाकी रिजल्ट्स गॉड के ऊपर छोड़ दीजिए. इट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय लॉर्ड कृष्णा और वॉट एवर डेटी यू विल बिलीव इन. जिस भी भगवान में आप मानते हैं उनके उन पर विश्वास रखिए पूरा, और उस विश्वास के साथ अपने कर्म करिए. जो आंसर आपका येस आया है वो कार्य आपका कम्प्लीटली पूरा होगा, ठीक है. अब मैं आपके सेकेंड क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे हमने येस एंड नो का आंसर निकाला था, यहाँ पे हम टाइमिंग चार्ट निकालेंगे. मतलब कि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आपका जो आप कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन कि आप जानना चाहते हैं कि आपका कोई भी काम 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कब पूरा होगा. जैसे कुछ लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं, कुछ की मैरिज का चल रहा था, तो यहाँ मंथ नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ईयर निकाल रहे हैं. अगर किसी का ऐसा होगा कि वो 1 साल से कम में पूरा होना है तो वो पेंडुलम उस हिसाब से जवाब देगा, ठीक है. तो हम यहाँ पे निकालते हैं. प्रे करिए, आँखों को क्लोज करिए, जो भी आप डेटी में मानते हैं उसको प्रे करिए और आप इस पेंडुलम को देख के अपना सवाल पूछिए कि आपका ये काम कितने टाइम में पूरा होगा.
पेंडुलम प्लीज़ आंसर मी, कितने टाइम में ये काम पूरा होगा? पेंडुलम प्लीज़ आंसर मी, कितने टाइम में ये काम पूरा होगा? पेंडुलम प्लीज़ आंसर मी, कितने टाइम में ये काम पूरा होगा? ये 2 साल की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि विद इन 2 ईयर्स आपका ये पूरा होगा। देखते हैं कि कोई मंथ भी ये बताता है या नहीं बताता, कोई पर्टिकुलर मंथ। पेंडुलम प्लीज़ कोई पर्टिकुलर मंथ बताइए कि किस मंथ में ये पूरा हो सकता है। ये अगस्त की तरफ इशारा कर रहा है, मतलब कि जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स, और जो आपका साल चल रहा है उसके नेक्स्ट ईयर के अगस्त तक, मतलब अगर अभी 2022 चल रहा है तो आपका 2024 के अगस्त तक ये पूरा होना चाहिए, या कुछ केसेस में 2023 के अगस्त तक, जो ये पेंडुलम इशारा दे रहा है। तो चलिए गीता से मैसेज निकाल लेते हैं और देख लेते हैं, और शायद हमें क्लैरिटी मिल जाए। एक कार्ड में गीता से आप लोगों के लिए निकाल रही हूँ, गुड क्वालिटीज। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, द ब्राह्मिन्स वर्क इज बॉर्न ऑफ हिज नेचर एंड क्वालिटीज, पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, एस्थेटिज्म, फॉरगिवनेस, ऑनेस्टी, लर्निंग, विजडम इन अ फर्म फेथ इन सुप्रीम लॉर्ड, समो दबस तपहा सौसम शौचम शांति राजस्वर्मे च ज्ञानम विज्ञान मस्तिविकम ब्रह्मा कर्मा स्वाधा वजनम। मतलब ये श्लोक जो है वो ये बताता है कि जो आपकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जो आप अच्छा काम करते आ रहे हैं, जिस वजह से लोग आपको पसंद करते हैं, जिस वजह से आपकी चीज़ें चल रही हैं, मतलब राइट के लिए फाइट करना और अपने असूलों को ना छोड़ना, तो आपने अपनी वो क्वालिटीज़ मेंटेन करके रखनी है। इसी वजह से ये काम जो आपका, जिसके सिलसिले में आपने पूछा है, वो इसी वजह से 2 ईयर्स एंड अगस्त का महीना दिखा रहा है, क्योंकि वो टाइम इसी वजह से लगेगा, क्योंकि आप अपनी अच्छी क्वालिटीज़ एंड अपने असूलों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम आपके तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन का जवाब हम देते हैं, चलो तीसरा क्वेश्चन मैं उन लोगों के लिए निकालती हूँ कि अगर आप किसी इंसान के अल्फ़ाबेट का पहला अक्षर जानना चाहते हैं, मान लीजिए आप जानना चाहते हैं कि आपसे जो जेलस है उसकी उसका नाम का पहला अक्षर क्या है, या आपका जो सोलमेट है जिससे आपकी शादी होने वाली है उसका नाम का पहला अक्षर क्या है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग चीज़ें हैं, जो जिस भावना से इस पेंडुलम की तरफ देखेगा वो उसका अक्षर उस हिसाब से आएगा, ठीक है। और अगर आपको रेसोनेट नहीं करता है तो आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। तो चलिए पेंडुलम अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर बताएगा, यहाँ पे घूम रहा है अल्फ़ाबेट के लिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं अल्फ़ाबेट की तरफ घुमाती हूँ, देखती हूँ कौन से अल्फ़ाबेट पे वो। ये अभी किसी भी अल्फाबेट की तरफ इशारा नहीं दे रहा है। टी, टी से शुरू होता है उस इंसान का नाम जो आपसे चलता है या जो आपके लिए अच्छी भावना नहीं रखता है। और देखते हैं कोई और अल्फाबेट करता है, सेकंड पर्सन का नाम कोई अगर आप बताना चाहते हैं पेंडुलम।
स्पाउस का नाम, अगर जो लोग देखना चाह रहे हैं वो अपने स्पाउस का नाम का अल्फाबेट जानना चाहते हैं, या सोलमेट का, या किसी भी चीज का। एल एल से आपके होने वाले हस्बैंड स्पाउस का नाम भी शुरू हो सकता है, और एल लव मैरिज को भी इंडिकेट कर सकता है। ठीक है, सो ये अब इससे रिलेटेड हम आपका गीता का एक कार्ड निकाल लेते हैं कि गीता हमें क्या मैसेज देना चाह रही है। ऑल नोइंग वन, आई नो ऑल बींग इन द क्रिएशन एज दे वर इन द पास्ट, एज दे आर नाउ एंड एज दे शैल वन डे कम टू बी, येट नॉट वन ऑफ देम नोज मी इन फुल। ओ अर्जुना, ऑल लिविंग एंटिटीज आर बॉर्न इन टू इल्यूजन्स ओवरकम बाय द डुअलिटी ऑफ डिजायर एंड हेट। यानी कि आपके पास से कोई होगा, अगर आप लव मैरिज की तरफ देख रहे हैं तो उसका कार्ड इंडिकेशन करता है कि कोई पास से होगा या आप जानते होंगे, कोई नोन वन होगा। और अगर आप कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कोई आपसे जेलेस है या कोई स्टॉक कर रहा है, मतलब किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो भी ये बताता है कि कोई ना कोई पास्ट मेमोरीज हैं या पास्ट कर्माज हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। उसको फॉरगिव करिए, आगे बढ़िए, अपने आप को उस हिसाब से करिए। और अगर लव से रिलेटेड क्वेश्चन है तो डेफिनेटली ये आंसर है कि समबडी फ्रॉम पास्ट, कोई पास से आपके पास आएगा, या कोई पुराना है, या मे बी जिसको आप चाहते हैं उसी से आपकी शादी होगी। कुछ इस तरह से पेंडुलम के जवाब आ रहे हैं। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं और हम लोगों ने जनरल करे हैं, तो आंसर्स भी उसी हिसाब से आ रहे हैं। आप अपने क्वेश्चन के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो आप रीडिंग्स पर्सनली बुक करा सकते हैं। तो अब मैं एक जनरल गीता डेक का मैसेज निकाल रही हूँ इन जनरल सबके लिए। आप चाहें तो आप तीनों क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आप चाहें तो किसी एक क्वेश्चन को भी पूछ सकते हैं जो भी हमने करा यहाँ पर। आप में से बहुत सारे लोग या ज्यादातर लोग जो भी ये देख रहे हैं रीडिंग्स, वो बहुत रेस्टलेस माइंड है उनका, उनका मन बहुत भटक रहा है। तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा ये कह रहे हैं कि जैसे सारथी होता है वो हमारा शरीर है, और जो मालिक है, मतलब जो उस रथ पे बैठा है वो हमारी आत्मा है, और जो घोड़े हैं वो हमारा, सॉरी, जो सारथी है वो हमारा मन है, जो घोड़े हैं वो शरीर है, और जो मालिक है शरीर का वो जो रथ पे पीछे जैसे धनुषधारी बैठे हुए हैं वो है, उसको डिपिक्ट कर रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर मैसेज डिपिक्ट करता है कि मालिक के अनुसार सारथी को चलना चाहिए, ना कि सारथी के अनुसार मालिक को चलना चाहिए। होता क्या है कि मन हमें जहाँ भटकाता है वहीं हमारा शरीर भी चला जाता है। तो अपने मन को काबू करेंगे, अपनी इंद्रियों को काबू करेंगे, अपनी क्रेविंग्स को काबू करेंगे, तो आप चाहें तो आप पूरा वर्ल्ड जीत सकते हैं। सो द योगा प्रैक्टिशनर हुज माइंड इज अनब्रिंडेड बाय नेवर अटेन सेल्फ रियलाइजेशन, ओनली वन हु हैज द मास्टर द सेल्फ एंड हु स्ट्राइव्स बाय राइट मीन्स इज अश्योर्ड ऑफ सक्सेस। मतलब कि मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार। अगर आपने मन को काबू कर लिया या मन को जीत लिया तो कोई आपको हरा नहीं सकता। तो ये थे ब्यूटीफुल मैसेजेस फ्रॉम गीता एंड योर आंसर्स फ्रॉम दी साइकिक पेंडुलम बोर्ड। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस तरह के और रीडिंग्स आपको चाहिए, तो टॉपिक्स बताइएगा, क्वेश्चंस बताइएगा, मैं लेकर आऊँगी। आप लोग पर्सनल सेशंस बुक करा सकते हैं, उसके लिए मेरे डिटेल्स दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जो कि पेड होते हैं। और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए, ताकि मैं इस तरह के वीडियोज़ और लेकर आऊँ आपके लिए। थैंक यू सो मच।